मंडी जिला के विकास खंड करसोग के 62 पंचायतों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जोरों पर चली हुई है। जानकारी के अनुसार प्रधान उप प्रधान तथा वार्ड सदस्य के लिए नामांकन पत्र पंचायत मुख्यालय पर लिए जा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी करसोग भुवनेश चड्डा ने कहा कि पिछले कल से जो अपडेट अभी तक मिली है उसमें प्रधान पद के लिए लगभग 49 नामांकन पत्र तथा उप प्रधान के लिए 66 व वार्ड सदस्य के लिए करीब 144 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र 2 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। सर, पंचायती राज चुनावों में ना जो पिछले कल से आवेदन शुरू हुए हैं उसमें हमारे पंचायत प्रधान उप प्रधान वार्ड मेंबरों की जो अपडेट हुई है उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें जी, कितने आवेदन हुए हैं? पंचायती राज चुनावों में नामांकन पत्र जो एआरओ के समक्ष विभिन्न पंचायतों में दाखिल किए जा रहे हैं उनको इस बार डेटा प्रोफाइल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पोर्टल पे चढ़ाया जाना सुनिश्चित किया गया है। और उस वेबसाइट के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रधानों के कुल 49, उपप्रधान के 66 और वार्ड मेंबर के 144 इतने आवेदन अभी तक हमने अपडेट पंचायतों के माध्यम से किए हैं और यहाँ पे अप्रूव किए हैं। तो हो सकता है कि कुछ और आवेदन भी हो जो वेबसाइट के ना चलने की वजह से या उसके स्लो होने की वजह से अभी तक अपडेट ना हो पाए हो, तो कुछ और भी संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। आवेदन जो है 2 जनवरी तक चलेंगे जी? जी, 31st को और 1st आज का जो दिन है और कल, तो 3 दिन के लिए जो भी आवेदन करना चाह रहा है, नामांकन अपना भरना चाह रहा है, पंचायतों में एआरओ अपॉइंट किए गए हैं, 62 पंचायतें हमारी हैं उनमें एआरओ हैं, उनके पास जाकर के किसी भी दिन इन 3 दिनों में जा सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं नियरावासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले भी उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे जिताया, भारी बहुमत से जिताया था। और अब मैं द्वारा लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 तारीख को कुर्सी के ऊपर मोर लगा के मुझे विजय बनाए, ताकि जो एक हमारा सपना है कि मेरा कि हमने नियारा वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना है, ये सपना आप लोगों के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे भारी बहुमत से जिताया, धन्यवाद।